जो भी जितने पल जीऊं उन्हें तेरे संग जीऊं, उसे तेरे संग चलूं। तो फ्रेंड, अगर आप भी इसी तरह के व्हाट्सएप स्टेटस बनाना चाहता है अपनी फोटो के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के फोटो के साथ या किसी भी फोटो के साथ, तो इस वीडियो का पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड, आपको सबसे पहले काइन मास्टर एप्लीकेशन में आना है। उसके बाद आपको यहाँ प्लस का आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 16:9 का एस्पेक्ट रेशो को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने मीडिया का ऑप्शन आएगा। आप मीडिया पर जाकर आप जिस भी फोटो को लेकर आना चाहते हैं आप लेकर आ जाइए। देखिए, आपका ये सारा फोटो आ जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सारे फोटो को ऐसे सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ सेकंड वाला ऑप्शन में जाना है, फिर इक्वल करना है, और इसको थोड़ा ऐसे जूम कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे सारे फोटो में करना पड़ेगा आपको। ओके कीजिए, फिर इस फोटो को भी ऐसे कीजिए, यहाँ बीच वाले में जाइए, इक्वल में जाइए, तो उसके बाद इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है, सेट कर दीजिएगा आप अपने हिसाब से, फिर ओके कर दीजिए। इसको तीसरा वाले में भी वही सेम प्रोसेस करना है, सारे फोटो में ऐसे ही प्रोसेस करना है आपको, ठीक है। देखिए, ठीक है, फिर ओके कर दीजिए। सारे फोटो में हो जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो प्लस का आइकन दिख रहा है वहाँ पर आपको क्लिक करना है और इस पर इफेक्ट लगाना है। तो मैं इफेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ अभी, जैसे यहाँ पर मैं नीचे में फंड ट्रांजेक्शन है, इसमें हार्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, फिर ऐसे होगा, इसको ओके कर दीजिए। फिर वैसे सेकेंड वाले में भी आप प्लस पे चाहिए, फिर यहाँ पर कोई सा भी इफेक्ट आप ले सकते हैं अपनी मर्जी से। जिसमें यहाँ पर प्रेजेंटेशन में जाता हूँ, यहाँ पे अभी कौन सा अच्छा लगेगा स्प्लिट का देखता हूँ। देखिए, ये अच्छा लग रहा है, इसको ओके कर देते हैं। फिर ये वाला वापस तीसरा वाला प्लस में जाइए, फिर वापस इफेक्ट में जाइए, और यहाँ पर वापस फन में जाकर आप स्टार का ले लीजिए, ठीक है। ऐसे सारे में आप अपने हिसाब से लगा दीजिएगा, ठीक है। वाला प्रेजेंटेशन में जाइए, उसके बाद यहाँ पर आप वाइप कर दीजिए, ठीक है। ये अच्छा लग रहा है। अभी आपको इस फोटो को आपको अगर छोटा बड़ा करना है तो अभी इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। सारे फोटो में ऐसा आपको जो भी छोटा बड़ा करना है सेलेक्ट करके छोटा बड़ा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं करना, आपका ये वाला एक पहला वाला प्रोजेक्ट का काम हो गया है। इसमें मैं तीन प्रोजेक्ट बताऊँगा। एक पहला प्रोजेक्ट है, ये वाला आपका हो जाने के बाद आपको सेव का बटन है, आप अपने वीडियो की क्वालिटी के हिसाब से इसको एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। फिर हम लोग दूसरा प्रोजेक्ट में आते हैं, ठीक है। दूसरा प्रोजेक्ट में आने के बाद आपको पहले मीडिया पे जाके जो आपने पहला वाला अभी जस्ट एक्सपोर्ट किया हुआ है उसी को लेकर के आना है, ठीक है। मैं पहले लेकर के आता हूँ। देखिए, ये वाला वीडियो आ जाएगा, तो इसमें अभी आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो क्लिप को सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे में जाइए, फिर यहाँ पर विग्निटी को ऑन कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ऊपर में जाइए, एडजस्टमेंट में जाइए, यहाँ जो ब्राइटनेस है उसको थोड़ा सा माइनस कर दीजिए, 20:24 आप अपने हिसाब से कर दीजिएगा जो आपको लगता है, ठीक है। मैं इतना कर दिया हूँ, ऐसा हो गया। अभी ये दूसरा प्रोजेक्ट बनकर रेडी हो गया, अभी आप इसको वापस एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक्सपोर्ट करने के लिए आप ये सेव वाले बटन पे जाके अपने वीडियो की क्वालिटी के हिसाब से एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये दूसरा प्रोजेक्ट रेडी हो गया है, अभी तीसरा प्रोजेक्ट में जाते हैं, ठीक है। तीसरा वाला न्यू प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद आप जो अभी जस्ट तुरंत एक्सपोर्ट किया है जो भी वीडियो को आपने, उस वीडियो को लेकर आना है मीडिया से। देखिए, ये वाला वीडियो आ जाने के बाद आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको लेयर पर जाना है, फिर मीडिया पर जाना है, और एक टेम्पलेट को लेकर के आना है। उस टेम्पलेट का लिंक भी मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला टेम्पलेट आ जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको सेलेक्ट करना है, फिर ये सेकंड वाले ऑप्शन में जाना है, इसको स्प्लिट कर दीजिए, फिर ओके कर दीजिए। उसके बाद आपको वापस इसको सेलेक्ट करना है, फिर नीचे में जाइए और इसको आप ब्लेंडिंग कर दीजिएगा, ठीक है। ब्लेंडिंग करके आप यहाँ पर स्क्रीन कर दीजिए, ठीक है, ओके कर दीजिए। आपको यहाँ पे क्या करना है, शुरू का जो भाग है, देखिए ये वाला भाग जो काम करने रहेगा, उस भाग को आपको थोड़ा सा डिलीट कर देना है, ठीक है। हल्का सा ट्रिम कर दीजिएगा आप ये वाला भाग को, आगे वाला भाग को ट्रिम टू लैपटॉप प्ले हिट कर दीजिए, ठीक है। ये होने के बाद आप इसको थोड़ा आगे और बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको वापस से लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है, और जो सबसे पहला वाला प्रोजेक्ट था उस वाली वीडियो को लेकर के आना, जो सबसे पहला वाला प्रोजेक्ट है उसको, ठीक है। ये वाला प्रोजेक्ट लेकर आने के बाद आपको इसको थोड़ा सा रोटेट करना है,
हल्का सा थोड़ा छोटा कर दीजिए, थोड़ा सा रोटेट करके आप यहाँ पे इसको अपने हिसाब से बैठा दीजिएगा, ठीक है, अपने हिसाब से थोड़ा सेट कर लीजिएगा। आप सेट हो जाने के बाद आपको इसको ओके कर देना है। आपका फोटो सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है और इसे सेंड टू बैक कर दीजिएगा, ठीक है, फिर ओके कर दीजिए। देखिए अभी आपका इतना वीडियो रेडी हो गया है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आके वापस लेयर पर जाना है, वापस मीडिया पर जाना है और वहाँ से आपको लाइटिंग वाला बॉर्डर लेकर के आना है। उसका लिंक भी मैं आपको अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला टेम्पलेट आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको सेकंड वाले ऑप्शन में जाना है, इसको भी स्प्लिट कर दीजिए, ठीक है, ओके कर दीजिए। उसके बाद आपको वापस इसको सेलेक्ट करना है और इसका वॉल्यूम कम कर दीजिए, ओके कर दीजिए। उसके बाद आपको वापस इसको सेलेक्ट करना है, नीचे में जाइए, ब्लेंडिंग में जाइए और उसको स्क्रीन कर दीजिए, ठीक है। अभी आपका वीडियो करीब बन के रेडी हो चुका है, देखिए। ठीक है, अभी आपको इसमें सॉन्ग लगा देना है, ठीक है, और जो भी सॉन्ग मैं यूज कर रहा हूँ वो भी आपको मैं अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। सॉन्ग लगाने के लिए आपको ऑडियो पे जाना है और सॉन्ग पे जाके उसको लेकर के आना है। सॉन्ग आ जाने के बाद अब मैं एक बार इसको प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है, अभी आपका ये वाला बन के रेडी हो गया है वीडियो। सारा बन जाने के बाद आपको यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है, ट्रिम पर जाना है और ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हिट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको इसका ऑडियो भी सेलेक्ट करना है, इसको भी ट्रिम पर जाइए और ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हिट कर दीजिए, ठीक है। ये होने के बाद आपका वीडियो पूरा बन के रेडी हो गया है। आप ये सेव वाले बटन पर जाइए और अपने वीडियो के क्वालिटी के हिसाब से इसको एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया रहेगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।